राधे राधे दोस्तों आज सुबह का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की से अच्छी हूँ दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत तो होती है सुबह सुबह सुब से तो आज नवरात्रा है यानी आज अष्टमी है आज आठवां दिन है तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं हमारे यहाँ इस टाइम क्या हो रहा है सुबह सुबह लेकिन चलिए उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और दिखाती हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है रात का क्लिप है तो मैं भोजन वर्जन बना ली थी सारे लोग जो है भोजन भी कर लिए थे और उसके बाद जो है लग गई थी अपने किचन की क्लिनिंग में तो झाड़ू उड़ू तो पहले ही लगा चुकी हूँ और गैस चूल्हा भी फूस चुकी हूँ और उसके बाद मैंने ठाना था कि आज जो है मैं किचन की लिपाई करूँगी वो भी पीली मिट्टी से तो दोस्तों फाइनली मैं लिपाई करना शुरू कर दी हूँ आप लोग देख सकते हैं कई दिनों से सोच रही थी आज करेंगे कल करेंगे ऐसे ही करते करते दिन बीत जा रहा था लेकिन मैं लिपाई नहीं कर पाती थी लेकिन आज मैंने सोचा था जैसे ही खाना बन जाएंगे वैसे ही मैं लिपाई करूँगी तो फाइनली मैंने अपने किचन की लिपाई भी कर दी और कल दोस्तों नवरात्रि का लास्ट डेट है तो क्लीनिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने शुरुआत किया था किचन से और किचन की क्लीनिंग हो चुकी है और बाकी का रूम रह गया है तो वह सुबह में करेंगे और दोस्तों सुबह सोकर जैसे ही उठ मैं आती हूँ किचन में तो यहाँ पे देखती हूँ प्रीति जो है चाय बना रही थी उसका चाय भी बन गया है तो सबके लिए छानना शुरू कर दी है और इस टाइम तो जो है बस तीन ही चार लोग चाय पियेंगे हम तीनों बहनें तो व्रत हैं दीदी हैं हम और अमृता तो इसलिए हम लोग नहीं पिएंगे और तभी जो है प्रीति पहले ही बना भी चुकी है तो अब सबको देने के लिए जाती है। फिर कुछ समय बाद सारे लोग चाय पी लेते हैं जो लोग व्रत नहीं है और यहाँ पे मम्मी लग जाती है एक नए कामों में दोस्तों आप लोगों ने इसके पहले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे घर जो है दो बोझा धान कट कर आया था जिसे दीदी और प्रीति ने मिलकर पीटा था और वह धान जो निकला था एक गमले तो उसी धान को मम्मी साफ़ करने में लग गई और कुछ पुराने धान भी हैं तो दोनों तो धान एक ही साथ लेकर आई हैं और सुबह सुबह लग गई हैं फटकारने में तो बाहर मम्मी अपना काम कर रही हैं और अंदर मैं किचन में आ जाती हूँ भोजन बनाने की तैयारी में और आज तो कम खाना बनेगा ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि तीन से चार लोग खाने वाले हैं तो इसलिए मैं बनाना शुरू कर दी हूँ और आज मेरे घर बनेगा बैगन का भरता जिसे मैं ही बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने मसाले को पीस लिया है सिलबट्टे पे आप लोग देख सकते हैं कटोरी में मैं रख लूँ रख ली लहसुन प्याज मिर्चा और ये खटाई जो होती है तो सबको मैंने पहले ही पीस लिया था और उसके बाद बैगन भी धुल दिया था और फिर बीच में से इसे कट कर लिया और फिर इसे मैं जो है ये मसाले भर रही हूँ आज तो पहली बार बना रही हूँ देखती हूँ कि मुझसे बनता है या नहीं हमेशा दीदी ही बनाती हैं तो इस बार मम्मी से बोली तो मम्मी कह रही थी चलो तुम ट्राई करो हो सकता है अच्छा बन जाए तो इसलिए मैं ही बनाना शुरू कर दे रही हूँ और दोस्तों आप लोग बताइए कि मैं सही तरीके से बना रही हूँ या नहीं और मुझसे तो सही से भरा भी नहीं रहा था, था और ज़्यादा फट जाएगा तो बाहर मसाले घिर जाएंगे इसलिए ज़्यादा चौड़ा नहीं कर रहे हैं दीदी कह रही थी थोड़ा कम ही चौड़ा करो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो मसाले सब बाहर आ जाएंगे और मसाले बाहर आ जाएंगे तो खाने में भी नहीं मज़ा आएगा तो इसलिए मैं बज बज कर उसमें भर रही थी कुछ समय बाद जो है मैंने चारों पांच बैगन में भर भर दिया है और उसके बाद चलते हैं अभी से तलने के लिए और कुकर में मैं रखती हूँ खिचड़ी हज बनेगी बैगन की कलौजी रोटी और खिचड़ी जिस दिन मुझे नहीं खाना रहता है उसी दिन जो है मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो मम्मी बोलती है आज तुम्हें नहीं खाना है तो आज खिचड़ी बना रही हूँ वरना डेली जो है दाल चावल भजिया रोटी बनती है और आज मैंने सोचा था कि कम ही लोग खाएंगे तो क्या होगा दाल चावल और साथ में कलौजी चार चीज बनाने से अच्छा है कि तीन ही चीज़ बना दो तो इसलिए मैं वही बना रही हूँ कुकर में खिचड़ी बन रही है और इधर मैं जो है बैगन को तलना शुरू कर दी हूँ तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल हमारा गर्म हो गया था तो उसके बाद जो है मैंने बैगन बारी बारी से डालना शुरू कर दिया है और सारे बैगन को मैं जो है तेल में डुबो दी हूँ अगर तेल में नहीं रहेगा तो ये पेनी में पकड़ भी सकता है तो अच्छे से मैं डुबो दी थी और उसके बाद जो है ढक दी हूँ तो दीदी बोल रही थी अब उसे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा चलाओगी तो मसाले बाहर भी आ सकते हैं तो इसलिए मैं उसे जो है ज़्यादा नहीं चला रही हूँ बस एक आग बार चला दूँगी ऊपर नीचे पलटना पल रहता है तो एक बार मैं पलट पल चुकी हूँ और उसके बाद साइड में रख दी हमारा खिचड़ी बन गया है तो रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हूँ और आज तो कम ही रोटियाँ भी बन रही हैं तो एक तरफ हमारी रोटी बन रही है और दूसरी तरफ जो है हमारी कलौजी बन रही है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा कलौजी जो है लगभग बन चुका है थोड़ा बहुत और टाइम लगेगी उसके बाद जो है बनकर रेडी हो जाएगा और मैं इसे जो है बहुत ही संभल संभल कर पलट रही हूँ मुझे डर लग रहा है कि मसाले सब बाहर ना आ जाएं इसलिए ज़्यादा उसे टच भी नहीं कर रही हूँ फिर उसे ढक कर रोटियाँ बनाने लग जाती हैं और इधर दूसरी साइड आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है हल्दी पीस रही हैं क्योंकि इनके कमर उमर में दर्द रहता है तो बोल रही थी दूध वाला मतलब हल्दी वाला दूध पीने के लिए तो यहाँ पे दूध और हल्दी मम्मी का गर्म हो गया है तो वही मम्मी पीने के लिए जा रही हैं बोल रही हैं कि इसे पी लेंगे उसके बाद जो है जाएंगे खेत क्योंकि गैया को चारा काटना है और आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह काम है तो ये ही सारे काम होते हैं जैसे ही घर के सारे काम हो जाते हैं वैसे ही सारी महिलाएं चली जाती हैं खेत तो ऐसे ही मेरी मम्मी भी जो है खेत चली गई हैं और साथ में दीदी भी चली गई है। हैं और घर पे बचते हैं हम और पापा और कुछ समय बाद अमृता भी आ जाती है क्योंकि ये गई थी कोचिंग और ये पढ़ कर आ गए तो फिर प्रीति भी चली गई है और ये आते ही लग गई अपने कामों में यानी झाड़ू देने के लिए सुबह के टाइम तो झाड़ू लगा था और उसके बाद चाय पानी सारे लोग पिए थे तो फिर से जो है ऐसे ही हो गया था सब बिखरा बिखरा तो इसलिए अमृता जो है दोबारा से सारा मतलब चीज़ें सही करती है यानी सब कुछ फोल्ड वोल्ड करती है और इधर बिस्तर भी लगा चुकी है और फिर लग जाती है झाड़ू देने के लिए अभी तो ये भी नहीं नहाई है वैसे ही कोचिंग पर भी चली गई थी बोल रही थी आएंगे तब नहाएंगे और तब जो है कुछ खाएंगे पिएंगे तो दोस्तों ये अंदर झाड़ू उड़ू लगा चुकी है और फिर आ जाती है वरांडे में तो यहाँ पे भी झाड़ू लगाने के बाद इकट्ठा कूड़ा करती है और उठा लेती है और पापा भी ब्रश कर लिए थे तो उनको मैं चलती हूँ खाना देने के लिए और आप लोग देख सकते हैं आज का भोजन और हमारी कलौजी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बैगन का भाता बहुत ही टेस्टी लगता है आज तो मुझे खाना नहीं है पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा बना या नहीं लेकिन मम्मी और पापा जो है खाएँ तो बोल रहे थे कि अच्छा बनाए जैसे भी तुम बनाई हो इसलिए अच्छा लगा तो दोस्तों अमृता तो झाड़ू लगा चुकी आप लोगों ने पहले देखा और फिर मैं लग जाती हूँ लिपाई करने में और आज करूँगी पूरे घर की गोबर से लिपाई रात में तो किचन की लिपाई की थी पीली मिट्टी से और सुबह के टाइम जो है बाकी के घर में लिपाई करना था तो शुरुआत कर दी हूं। और शुरुआत मैं अपने पूजा वाले रूम से की हूँ दोस्तों आप लोग को पता है जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ या कोई त्यौहार रहता है या शादी विवाह रहता है तो सारे लोग अपने घर को ऐसे ही गोबर से लिपाई करते हैं जिनका घर जो है मिट्टी का रहता है और जिनका टाइल्स रहता है तो वह लोग जो है पोछा मार देते हैं या धूल देते हैं लेकिन हमारा मिट्टी का है तो लिपाई ही ना करेंगे तो शुरुआत तो मैंने किया था उस वाले रूम से तो वहाँ पे लिपाई हो चुका है और फिर आ जाती हूँ अपने वारांडे में लिपाई करने के लिए लिपाई करने के बाद घर जो एकदम क्लीन और फ्रेश लगता है ज़मीन ही एकदम येलो येलो दिखती है बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई पर्व हमारे घर है यानी त्यौहार है या शादी विवाह बहुत ही खुशी भी होती है ऐसी ज़मीने को देख वैसे भी दोस्तों आज तो आप लोग जान ही रहे हैं कि नवरात्रि का लास्ट डेट है तो आज नई लिपाई करेंगे तो कब करेंगे छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग जो है नवरात्रि पूजा पे कैसे तैयारी कर रहे हैं हमें पता है कि आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते सबसे पहले हमारे यहाँ जब भी पूजा रहता है तो अपने घर की क्लीनिंग करो उसके बाद जो है बाकी की तैयारियाँ होती है तो यहाँ पर तो मैं अभी वही सारा काम कर रही हूँ और आप लोग क्या क्या हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं लिपाई कर रही थी तभी जो है प्रीति मुझसे आकर कुछ बातें कहती इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हंसी आती है क्या बताओ मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पाती हूँ और फिर मैं उसे बोली अब तुम जाओ रहने दो तो, तो फिर वह चली जाती है और इधर आप लोग देख सकते हैं हमारी लिपाई भी हो चुकी है और बताइए कि आप लोग को हमारा घर कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे जो लोग भी नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में ऐसे इलाज तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आगे चल के बहुत ही अच्छा है फिर दोस्तों हमारा सुबह का तो सारा काम हो गया और उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ नहाने के बाद आ जाती हूँ माता रानी का पूजा करने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर भी क्लीन हो चुका है अमृता पहले ही कर चुकी है और फिर मैं लग जाती हूँ पूजा करने में और इस टाइम दोस्तों जो है ग्यारह बज रहे सुबह के इतने सारे काम थे सारे काम निपटाने के बाद ही आए पूजा करने के लिए पूजा तो सुबह में ही की जाती है लेकिन क्या करें काम भी तो ज़रूरी होता है तो इसलिए सारे काम हो जाते हैं और पूजा करने में भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ और आप लोग के लिए भी प्रे की हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे हेलो दोस्तों तो मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ और इस टाइम जो है साढ़े ग्यारह बज रहे हैं तो अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए नाश्ता बनाने के लिए आज मैं दीदी और अमृता तीनों लोग व्रत हैं आप लोग जान रहे हैं पहले नवरात्रि के दिन और उसके बाद आज आठवां है तो आज भी व्रत रहना है तो आज हम लोग आएँ तो मैं नहा आ चुकी हूँ पूजा भी कर चुकी हूँ और उसके बाद जा रही हूँ यहाँ पे बनाने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं इधर मूँगफली है और उसके बाद इधर चाय रखी हूँ और अमृता दीदी अभी जो है नहाने के लिए जा रही हैं और मैं पूजा वूजा कर ली थी तो मैंने सोचा चलिए पहले नाश्ता बना लेते हैं जो भी व्रत में खाया जाता है तो इसलिए मैं लग गई हूँ जब तक वो लोग नहाएंगी और पूजा वूजा करेंगी तब तक हमारा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा और दोस्तों आप लोग भी व्रत हैं तो आइए आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए नहीं आप लोग के लिए भी आप लोग तो भी हमारी फैमिली हैं तो मैं अंदर जो है भून ऊन रही हूँ और इधर अमृता भी नहा चुकी है तो आ जाती है माता रानी की पूजा करने के लिए और दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर राधे राधे वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों